सनातन के जितकी अच्छे सले पिटमार्क भी करुछन काम धंधा एकदम कड़ा करी करी करुछन तार माड़ धर सब दोछन भल करी खाना पीना दबार नी किछु नी हेतिर का जाइटा आमे कलेक्टर के इटा आपत्ति अभिजोग करुछु आनी दबार का जे चालोज हो गया और आता पता नहीं तारीख को देखो वो लोग भाग गए दोनों ये मार पीटे देख के हम लोग चुपचाप चले गए चार बजे के बाद हम लोग काम पे गए और वो लोग चले गए तो उनको ना उसका सुबह वो मतलब ढूंढ के लाए लाए तो ऐसे चल नहीं पा रही थी वो लड़की हमको बताया कि हमारे साथ ऐसे हो अंजलि की भी बोला है अंजलि बोला हमको बोला मेरे को बोला है ये जो साचा है ना ये साचा है ना ये साचा जिसको इतना मारा वो लड़की को बहुत मारा था सुनो उसके बाद हमको सब बताया वो लड़की सब बताया कि ऐसे हुआ है हमारे साथ बोल के ठीक है हम रिपोर्ट करेंगे बोले हमको उसको तसल्ली दी हो पाए चाहे ना हो पाए मालिक जनता की छड़ी दावली सेटा डर रे हमें मार्केट जो होता है जो डर रे से मैंने बोली सेटा तो मीडिया वाला की कहाँ बोली कहला रे बेचे बोली हंदा कोतरा सात जियो कहाँ बोली कहला फोन रे तो एक्सीडेंट हो गया एक बच्चे का यहाँ पर गाड़ी से दब के मर गया उसके वो बच्चा मर जाने से कुछ कॉम्पेंसेशन दिया वो लोग को पैसा नहीं मालूम वो लोग का माता पिता को क्या किया क्या पता उधर से उड़ी ले गया उड़ीसा का था वो उड़ीसा का था वो क्या दिया नहीं मालूम क्या दिया कैसे किया क्या सर हम लोग यहाँ से आए और हम काम कर रहे थे काम कर रहे थे फिर हमको बुलाया मालिक ने मालिक ने बुला के हमको हम लोग बोले कि हम लोग नहीं रहेंगे यहाँ एक तो बच्चा मर गया उसका आता पता कुछ नहीं लेकर गए क्या क्या मालूम कैसे किए क्या किए बोल के हम लोग बोले कि हम लोग काम नहीं करेंगे हम लोग चले जाएंगे घर तो सेठ क्या किया सुनो हम लोग इकट्ठे हो गए कि हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे बोल के इकट्ठे हो गए उसके बाद क्या किया नहीं तुम यहाँ रुको यहाँ रहना पड़ेगा काम करना पड़ेगा चलो काम करो ऐसे धमकी दिए देखो 10-12 आदमी 10-12 15 आदमी करीबन उनके आदमी को बुला लिया पहले सर 15 आदमी को बुला लिया हमको हमारा मिसेस को हमारा लड़का को वहाँ ऑफिस में बैठाया ऑफिस में बिठा के हमको इतना मारा बहुत मारा नमक बोरी से मारा हैंड बेल्ट से मारा और मार के हमको यहाँ जबरदस्ती कैद करके रखा हुआ है सर हमको छोड़ भी नहीं रहा है कुछ हमारा देखो कौन सेठ मारा है हाँ सेठ सेठ का नाम क्या है सेठ ने मारा सेठ का आदमी हाँ सेठ का आदमी क्या कपड़ा लगा सुनो ये हमारा सर पूरा फटाफटा है देखो सर नहीं सेठ का नाम बोलो सेठ का नाम भास्कर उनका आदमी मारा है उनका चमचम चलो ये हमारा काम करना पड़ेगा चलो काम करो ऐसे धमकी दिए देखो 10-12 आदमी 15 आदमी करीबन उनके आदमी को बुला लिया पहले सर 15 आदमी उनके आदमी को बुला लिया हमको हमारा मिसेस को हमारा लड़का को वहाँ ऑफिस में बैठाया ऑफिस में बिठा के हमको इतना मारा बहुत मारा नमक बोरी से मारा हैंड बेल्ट से मारा और मार के हमको यहाँ जबरदस्ती कैद करके रखा हुआ सर ये हमारा सर पूरा फटाफटा है देखो सर नहीं सेठ का नाम बोलो सेठ का नाम भास्कर उनका आदमी मारा है उनका चमचम चलो मारा इसको ये चिल्लाया ये दौड़ो रे मार रहे बोल के तो इसको भी मारा मेरे भाई को दौड़ो बोले इसमें मारा मेरा अपना चावल बर्तन जितना था ये सब पूरा चेकिंग किया सर पूरा सारा चेकिंग किया हमारे पास में 2000 रुपया था वो 2000 रुपया भी ले गया हमारा मोबाइल भी ले गया हमारा गाड़ी का लाइसेंस था वो भी ले गया छीन के अभी तक कोई पता नहीं सर हम लोग आज लेकिन वो लोग को पहले 23 तारीख के टाइम में वो औरत के साथ ये सेठ और बाकी तीन किया बोल के बोला है वो बोला है पूरा बोला है हम देखे भी है हमको दिखाया भी है इन सब कीजिए हमको यहाँ नहीं रहना है हमको जाना है हमारा देश ठीक है बेटा मैं कुछ कह के लिए साहब बहुत यहाँ मेरे को तकलीफ दे रहा था इनका मेरी इनका बहन को ही मारा इनका क्या बोलते हैं उसको नहीं जो नहीं जो ये तो सर इनको भी बहुत मारा सर पूरा नमस्कार मैं राजीव सगरिया आपण मानकु आमर यूट्यूब चैनल जरिया के स्वागत करुछे दादन श्रमिक माने कार्यक्षेत्र रे निर्यातित हेसन तांकु हत्या करा जायसी तांकर प्रति अत्याचार करा जायसी
आवश्यकता ठारु अधिका काम निया जायसी इ प्रकार अनेक अभियोग रो जेन धारा अछि सेटा अवधारित हे जाय छै जेंदा ओडिसार बलांगीर बरगढ़ आ नुआपड़ा जिला तथा छत्तीसगढ़ रो किछि परिवार जे गुरी तेलंगाना राज्य रो पेड़ापल्ली जिल्ला रो गुरुड़ी पेटा पाखर गुटे इटाभाटी रे काम करूथिले से माने नवंबर रे से माने दादन गले गुटे निर्दिष्ट दलाल पाखरु और डिसेंबर मासे गुटे दुर्घटना घटला पुकलिन माटी उठी करे नेला बेले दुई जन आदिवासी छुआ जणे नुआपड़ा और जणे बलांगीर जिल्लार आठ नौ वर्ष शिशु दुई जनकर उपरे माटी अतड़ा खसी पड़ला घटनास्थल रे जणकर मृत्यु हेबार बेले आउ जणे गुरुतर आहत हेतिला से दुईटा छुआ और तांकर परिवार के डाक्तरखाना तथा अन्यान्य आनुषंगिक कागजात करबार लागि भाटीरु नै गले आउ सेमाने पुनर्बार भाटी के नै फेरी परे सेमानकु सुणा गला जे ओडिशा पठे दिया हेछि जेनटा नुआपड़ा आउ बलांगीर जिला प्रशासन पाखे भी खबर नै नतार जानुरी तेईस तारीख अन्य गोटे घटना घटला सेनर जड़े नवबिवाहित दंपति काम करूथिले से झियो प्रति एकोईस वर्षर झियो प्रति प्रति मालिक आउ तार किछि जन सांग गणदुष्कर्म करबार अभिजोग भी हला इ अभिजोगटा संप्रुक्त जिला प्रशासन संगे राज्य सरकार के भी स्थानीय किछि एक्टिविस्ट जणाले इ जेन दादन माने संगठित होकर गोटे इटा भाटी रे काम करूथिले से माने गंधमार्दन पाखे आखे रहूथिले सेटा छत्तीसगढ़ हो किंबा ओडिशा हो दुर्घटना परे जनवरी तेईस तारीख गोटे नवबिवाहित दंपति भी सेने काम करूथिले जेन झियो प्रति इटा भाटी रो मालिक आउ तार चार जन बंधु समस्ते मिसी करी से एकोईस वर्षिया झियो प्रति गणदुष्कर्म होइथिबार अभिजोग हला जनवरी तेईस रु फेब्रुआरी आठ गुटे दीर्घ समय सेमाने विभिन्न प्रकारे निर्यातित होउथिबार खबर आसला सामना के एकदा सेमाने लुचिकरी रेलवे स्टेशन भी पले आसथिले सेनु सेमानकु नै करि पुनर्बार अत्याचार करा हला पुलिस पर्यंत खबर गला और जेन खबरटा कि संप्रुक्त जिला प्रशासन पाखे भी आसला इवेन बलांगीर जिल्लार एसपी कहले जे गुटे टीम गठन हवा आउ सेमाने संप्रुक्त इटाभाटी के जेकरी जेतकी दादन अछन समस्तंकु उद्धार करी करी आणबे इ भितरे फेब्रुआरी एगार तारीख आसी जाइछे आउ तापरे हठात बार जन संप्रुक्त इटाभाटीरु बलांगीर आसले गुटे गाड़ी रे फेब्रुआरी तेरह तारीख सेमाने पहुँचिले आ बलांगीर आसबार पूर्वरु पीड़ित महिला आउ तार स्वामी के नहीं करी से माने बरगढ़ जिल्लार तांकर गाँव में छाड़ी देकर आसे जिते बेले माने घर के आसले जरिया तरफ पीड़ित परिवार के जेकरी जिते बेले भेटा हला पीड़ित कहा जाउथिबार महिला आउ तार स्वामी दुई जन एका दुष्कर्म भलिया घटना रो प्रत्याख्यान कले आउ सेमाने कहले जे सेन मारपीट अधिका करूथिबार आम घर के आसवार लगे ये बाहना कल वर्ष लक्षाधिक संख्यार ओडिशार पश्चिम क्षेत्र रु दक्षिण राज्य मानक जाएस प्रत्येक लोकंकर पाखे अमानसिक अत्याचार देखी थे किंबा निजे भोगी थे ये प्रकार प्रति वर्ष अनेक उदाहरण आसचे जहार आखिदृशिया कार्यानुष्ठान नेबाटा केबे भी किए नहीं देखी भलिया संख्या आ परिस्थिति इन सृष्टि हो सारी आपण निश्चय अनुमान करी पारबे कोविड समय रे घर के फिरबार लगे पंजीकरण करबार जेन गुटे नियम बाहर करा हला सेथिरे 12,000 श्रमिक दादन खटी जाइथिबाटा हिसाब अछे बलांगीर प्रशासन पाखे किंतु जेते बेले ना रजिस्ट्रेशन कले से समय रे 1.5 लाख रु अधिका प्रवासी निजर घर के फिरबार लगे केवल बलांगीर जिल्ला रे निजर ना पंजीकृत करी ए हिसाब रे देखले बरगढ़ नुआपड़ा
कलाहांडी बलांगीर सोनपुर बौद्ध आदि जिल्लारु केते परिमाणर श्रमिक दक्षिण राज्य के जो थे सेटा अनुमान करा जी पार्बा आउ अन्यान्य राज्य के जेन माने जोछन ई परिमाणटा बहुत बड़ संख्या हेगरी थीसी। मुख्यतः दक्षिण राज्य के इटाभाटी के काम करी जीवार लोक दादन गोटे पथुरिया माने तीन जन कु कार्यस्थल के पहुँचाबार लगी गोटे लक्ष टंका दलाल के दिहेसी आउ सेथिरे अग्रिम जीवार आसीबा खर्च आउ किछि हात खर्च बइना ई सबु के छाड़ी देला परे बाकी टंकाटा सरदार रो लाभ हैसी। जेन्ता गोटे पथुरिया सेमाने जदि नेबे बोले सेमाने 20,000-25,000 टंका लाभ करि पारसन। हजारे ईटा गढ़वाल लगी 160 टंका तेलंगाना आउ आंध्र प्रदेश राज्य रे 220 टंका पर्यंत सुना जाउछे किंतु तमिलनाडु रे जेन्ता 350-420 टंका पर्यंत प्रति हजार ईटा तैयारी रे दिया हैसी आ सप्ताह को थरे खायरी दिया हैसी जेंथिरे सेमाने दादन लागी बसुथिबार बाजार के जेगरी निजर खाद्य आर व्यवहार्य किछि सामग्री किणी करे आयसो सेटा जेहेतु गरम अंचल खरा दिने राति सारा भी सेमाने काम करसन आ दिन बेले खरा रे सेमाने आराम करसन। तो एते बड़ संख्या के नेबार लागी अग्रिम जेंटा आछे हजार कोटी परिमाण रे सेटा ए अंचल के गुटे समय रे आछे आ गोटे समय रे भीड़ भाड़ हेइ करी रेल टिकट विक्रय संख्याटा भी बढ़ी जाउछे आ समाने जोउछन दक्षिण राज्य के आ तांकर जेन आनुषंगिक सुविधा अछि समस्त प्रवासी लक्षाधिक संख्या रे खाद्य सुरक्षा आइन रे जेन तांकर प्रति मुंडो पिछा 5 केजी चाउल से चाउल रो गोटे सुंदर व्यवसाय हैसी ना एते बड़ परिमाण रो चाउल केन निके जाउछे चलंती वर्ष मंडी रे धान पड़ी रहला जेन माने टोकन पाइथिले से माने भी निजर धान बिकि नै पारि चासी सेटा व्यापारी हुन चासी हुन अलगा कथा किंतु जेन गुटे बहुत बड़ परिमाण रे चाउल आसला लोकंकु दिया गला ई प्रवासी मानकर चाउल भी से भितरे आसीथिला जेनटा गुटे रिसाइक्लिंग हबार लागि गुटे गछी थिक रहला आ मिलर्स माने निजर कोटा पूरा कर देले आ मंडी रु से माने आ धान नै उठे चाषीर धान पड़ी रहबार कारण भितरु ये कारण भी गुटे बहुत बड़ संख्या रे दशंधि दशंधि हेला जोछन आ अत्याचार रो कहानी आमे बारंबार सुनी आसीछु सेमनकु अटकावाल लागि तो सरकार पाखे से प्रकार योजना नै ना किंतु सेमाने जिन जोछन संवैधानिक नियम रे तांकर अधिकार अछे आजीविका लागि सेमाने देशर जे कोनोसी स्थान के जे पारबे आ श्रमिक आइन सेमनकर स्वार्थ रक्षा लागि जिन कहूछि से सब जिनिस उपरे ध्यान देकर आज पर्यंत केबे भी काम नहीं हबार ना गमनागमन रो ना सेना रहबार ना सेना मानविक अधिकार सुरक्षित रहूचे कि नहीं सेटा देखबार भी सरकार पाखे समय नहीं अपरंतु ई सबुर दायित्व राज्य सरकार निजे नबार प्रावधान अछि। जनवरी 23 रु फेब्रुआरी 8 पर्यंत जेन घटनाटा चर्चित हो सारीथिला जिला प्रशासन प्रस्तुत हो सेमाने पहुँची जाइथिले बोले सेमाने आईन के फांकबार लागि आईन के निजर सपक्ष रे नेबार लागि केन केन प्रक्रिया करि पारसन ई सबु दशंधि दशंधि रो अभ्यास सेमन को आईन के ठकबार लागि ओडिसा रो सबु प्रक्रिया रे निज के बचाबार लागि सबु लूप होल सेमाने जानि जाइछन आ तद्रूप दादन जेन माने जोछन सरदार जेन माने जोछन इमाने भी निजर स्वार्थ उपरे ने अनेक किछि छलना करि पारिछन ई सबु अवधारित हे सारी छि वर्तमान पर्यंत किंतु मालिक मिछ कहबा अत्याचार करबा इटा निजर स्वार्थ लागि आ निजर अमानवीय इच्छा पूरण लागि किंतु श्रमिक जणे ठकबा बेले सामान्य किछि लाभ लागि किंबा अत्याचार रु निस्तार पाइबार लागि ई विरोधाभास परे जेन अवशिष्ट काम सरकार रो दायित्व रे रहि जासी सेथिरु मुँह मुड़बार लगी बहुत प्रकारे प्रक्रिया अछि जेन प्रक्रियाटा जिला प्रशासन किंबा स्थानीय प्रशासन अधारु अधिक कामटा सारी देसी आ सरकार के यथावत निष्कलम करि करि एका रखि देसी। अभिजोगटा सामना के आसी छि दुर्घटना कथा दुष्कर्म कथा
ଇ ଅଭିଯୋଗକେ ସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ କରବାର ଲାଗି ଆମେ ନାଇଁ ଚାହେବାର, କିନ୍ତୁ କ୍ରମାଗତ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯେନ୍ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛେ ସେ ଅଭିଯୋଗକେ ଦେଖିଲା ପରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଉ ସରକାରର ଦାୟିତ୍ୱ ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠବା। ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଲାଗି ଆଇନ ଅଛେ, ସେମାନେ ବାହାରକେ ଯାଇକରି କାମ କରିକରି ନିଜେ କମେଇ କରି ଖାଇପାରିବେ ତାର ବି ଆଇନ ଅଛେ। ଦଲାଲ ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଟଙ୍କା ଦେଇକରି ନେଇପାରବା ସେଟା ବି ଆଇନରେ ଅଛେ। ଯଦି ସବୁ ଜିନିଷ ଆଇନରେ ଅଛେ, ଆଇନର ସବୁ ଲୋକ ମାନିକରି ନିଜର ସ୍ଥିତିଟା ରଖିଛନ୍, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଲାବେଳେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯେନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କାମ କରସନ୍ ସେ ପ୍ରଭୁପଣ ସେମାନେ ମିଡ଼ିଆକେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖାବାର୍ ଲାଗି ଚାହେଁସନ୍ ଯେ ଆମେ ସଜଗ ସବୁବେଳେ ବୋଲିକରି। କିନ୍ତୁ ହଜାର ହଜାର କୋଟିର ଯେନ୍ ବେପାର ଚାଲିଛେ, ଦାଦନ ବେପାର, ଶିଳ୍ପ ପ୍ରମାଣେ ଯେନ୍ ବେପାର ଚାଲିଛେ, ସେଥିରେ ଯେନ୍ ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀ, ଯେନ୍ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ, ଯେନ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେନ୍ ବିଭାଗ ଅଛେ, ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗ ଯେନ୍ମାନେ ଅଛନ୍, ସେମାନେ କିଛି ଲାଭ ପାଇଗଲା ପରେ ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟାକେ ସ୍ୱଚାଳିତ କରିକରି ଛାଡ଼ି ଦେସନ୍। ଦାଦନକେ ଦଲାଲ ଧରିକରି ଯିବା, ମାଲିକ ସେନେ କାମ କରାବା, ପୁଣି ସେମାନେ ଫିରବେ ଘରକେ, କିଛି ଅଭିଯୋଗ ହେବା, କିଛି ହୋହାଲ୍ଲା ହେବା, କିଛି ବୟାନବାଜି ହେବା, ତାର ପରେ ଘଟଣା ପୂର୍ବବତ୍ ଆଉ ଯଥାବତ୍ ରହିଯିବା। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଦାଦନ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ, ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକର ମାନ୍ୟତା ଦେଇସାରିଛନ୍। କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀ ସମୟ ଭିତରେ ଶ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଦଲାଲ, ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗ, ପଞ୍ଚାୟତ ଯେନ୍ମାନେ ଅଛନ୍ ସମସ୍ତେ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକର ପଞ୍ଜୀକରଣ ଲାଗି କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ନେବାର, ଖାଲି ଘୋଷଣାରେ ରହିଯାଇଛି ସବୁ। ତ ଆମେ ଯଦି ମୋଟାମୋଟି ସବୁ ଜିନିଷ୍କେ ଅନୁମାନ କରୁଛୁଁ, ଦେଖୁଛୁଁ, ବୋଲେ ଦାଦନର ଅନୁପସ୍ଥିତି ବି ଗୋଟେ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟ ଏଇନା ତିଆରି କରୁଛେ। PDSର ବ୍ୟବସାୟ, ସେମାନେ ଅଗ୍ରିମ ଆଣିଥିବା ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିମାଣ ଇନର ବଜାରକେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ କରୁଛେ। ସେମାନେ ସେନା ଯାଇକରି କାମ କରୁଛନ୍, ଫେର୍ ଆସୁଛନ୍। ଏ ଲୋକମାନେ ଯଦି କାମ ନାଇଁ ପାଇକରି ଓଡ଼ିଶାରେ ଖାଲି ରହିଯାଏତେ ବୋଲେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଉପରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବୋଝ ହେତା। ତ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗ ଆଉ ଅନେକ କର୍ମଚାରୀ ସେମାନେ ବି ଇଏ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରମାଣେ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟର, ଏ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରମାଣେ ମାନବୀୟ ବ୍ୟବସାୟର ସେମାନେ ଲାଭ ନେବାରେ ଯେତେ ସୁଗମତା ଅଛି ତାଙ୍କର ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କୁ ଯିବାର ଆର୍ ଆସବାର ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର ଦେବାରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଅଛେ। ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟାକେ ସ୍ୱଚାଳିତ କରିକରି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍, ଆଉ ନିଜର କିଛି ଖାନାପୁରୀ କରିକରି ସେମାନେ ଚୁପ୍ ରହିଯାଇଛନ୍। ଆଉ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏନ୍ତା ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଥିବା, ତାଙ୍କର ବାହାନାରେ ହଜାର ହଜାର କୋଟିର ଗୋଟେ ଗୁପ୍ତ ବ୍ୟବସାୟ ଚାଲୁଥିବା, ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଯେନ୍ତା ଚାଲୁଥିଲା ସେନ୍ତା ଏକା ଚାଲି ଆସୁଥିବା, ତମାମ ପ୍ରକରଣକେ ଦେଖିଲେ ଇଏ ଜିନିଷ ଏକା ସାମ୍ନାକେ ଆସୁଛେ। ଦାଦନର ଭାଗ୍ୟ ନେଇକରି ସବୁବେଳେ ରହିବା ଏଇଟା ଅବଧାରିତା ଯେନ୍ତା। ନମସ୍କାର।